वाली और अल्फा इन स्पेस रूम बी से क्लास फोर हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर टू किया था एक्सरसाइज 6.2 का। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, आज हम यहाँ कुछ डिस्कस वेरी गुड मॉर्निंग यूरोपियंस, हाउ आर यू ऑल, अल्फा इन स्पेस रूम बी से चिल्ड्रन क्लास फोर। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा था। आई होप सबने अपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा। ऑल ऑफ जिस जिसने कर लिया है सब अपने क्लासरूम पे कमेंट करेंगे कि किस किसने अपना वर्क अपडेट किया है या नहीं। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ सी, अब हम कुछ डिवीजन के बारे में टॉपिक्स पढ़ेंगे जिससे कि आपको डिवाइड करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, पेज नंबर 5858 और 5959 पे हम लोग कुछ देखेंगे। नाउ सी चिल्ड्रन, फर्स्ट डिवाइडिंग बाय ग्रुप, डिवाइड हम ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? नाउ सी हियर, एक एग्जांपल दिया हुआ है 375 है, उसको हमको 15 से डिवाइड करना है। अब हम इसको ग्रुप में कैसे करेंगे? 15 तो डिवाइजर तो सेम रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो डिविडेंड है हमारा बच्चों, जो डिविडेंड है इसको हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे? जैसे 3 है, इसको हमने 300 कर दिया, ठीक है, और इसको 75 अलग कर दिया, 300 अलग कर दिया, 75 अलग कर दिया। ठीक है, अब जो 300 है पहले उसको हम 15 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 प्लस करेंगे 75 को डिवाइड करके 15 से। कैसे करेंगे देखो, यहाँ 300 दिया हुआ है, ठीक है, 15 है, पहले 15 से हम डिवाइड करेंगे, तो 300 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2020। फिर इधर हमने 75 को 15 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया 5। इस 20 को और इस 5 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 25। क्लियर? अगर हम उसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तभी हमारे पास आंसर तो आ ही जाएगा, तभी हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक शॉर्ट फॉर्म भी आपको दिया हुआ है कि हम ग्रुप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हम उसको लॉन्ग फॉर्म में डिवाइड करते तो हमारा आंसर भी 25 भी आएगा। देखो इधर हमारे डिजिट क्या दिया हुआ है, 375 डिवाइडेड बाय 15, 37। अगेन हमने ये 5 मेंशन किया, ठीक है, 15 टू 30, ठीक है, 11, 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
11 not 20. 11 minus 2 9. ये 9 का मेंशन कर दिया. 11 9 का 99. क्रॉस यहाँ पे भी हमारा 29 आया आया यहाँ पे भी हमारा 29. वो लॉन्ग मेथड था, ये शॉर्ट मेथड था. ये वो हमने किया था ग्रुपिंग मेथड से डिवाइड, और ये हमने किया था एडिंग मोड से डिवाइड. अब हम थर्ड देखते हैं, डिवाइडिंग बाय ब्रेकिंग का डिविजर. पहले हमने क्या किया था, किसको ब्रेक किए थे,
किसमें ऐड किया था? डिविडेंड में। अब हम यहाँ डिवाइजर को छेड़कर अपना आंसर निकालते हैं। देखो कैसे होता है। एग्जांपल दिया हुआ है 375 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ 375 क्या है हमारा डिविडेंड, 15 क्या है हमारा डिवाइजर। अब देखो कैसे होगा, 375 डिवाइडेड अब 15 है। 15 किसकी टेबल में कितने बार आता है? 3 की टेबल में 5 बार, ठीक है, या 5 की टेबल में 3 बार। 3 5 15 5 3 15 इक्वल बात है। अब यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले तो 375 को डिवाइड करते हैं 5 से, देखना क्या आता है। 375 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 20 5 6 30 5 7 35, ठीक है, 7 -5 2, ये 5 नीचे होगा, 5 5 20, क्लियर। हमारे पास क्या आता है 75, ठीक है, 75 आता है। अब इस 75 को हम किससे डिवाइड करेंगे, फिर से 3 से, क्योंकि 5 से तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम 3 से करेंगे, ठीक है, 3 से करें। देखो अब क्या आता है, 75 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 3 2 6, 7 -6 1, ये 5 नीचे उतरा, 3 5 3 15, हमारे पास क्या आ गया 25, और ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है, हमने ये फर्स्ट एग्जांपल ही लिया था ना, 25 भी आया था हमारे पास में, क्लियर। तो हमारे पास तीन मेथड है, पहले बाय ग्रुपिंग, सेकेंड बाय एडिंग मोर, थर्ड बाय ब्रेकिंग द डिवाइजर, ठीक है। तो सम्स आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिवीजन बाय 10, 100, 1000, 10000 एक्सेट्रा। अगर हमको डिवाइड करना है तो हम डिवीजन कैसे करेंगे विद द हेल्प डिवाइजर, क्या होगा हमारे पास 10, 100, 1000, 10000, ठीक है। अब यहाँ देखो डिविडेंड दिया हुआ है 87524, इसको हमको डिवाइडर क्या दिया हुआ है 10 से डिवाइड करना है। तो एक छोटा छोटा फॉर्मूला दिखाती हूँ मैं आपको, जिसमें 1, 10, 100, 1000, 10000 अगर डिवाइड करना हुआ तो, अगर ये हमें 10 से डिवाइड करना है तो हम पहले कौन से डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट, वंस वाली डिजिट, ठीक है, वंस वाली डिजिट देखेंगे। अब जो ये बच्चा है, जो ये वंस वाली डिजिट है उसके तो हम लिख देंगे रिमाइंडर की जगह पे, ठीक है, जो वंस वाली डिजिट है 4 वो हमने लिख दिया रिमाइंडर की जगह, ठीक है। अब जो बचता है हमारे पास 88752, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 8752। आप ये रफ कॉपी में सॉल्व करना, अगर 87524 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यही आएगा हमारा क्वेश्चन, ये आएगा रिमाइंडर, ये आएगा। अब आगे चलते हैं, अगर हमें 100 से डिवाइड करना है कोई भी नंबर, ऐसे हमें नंबर दिया हुआ है यहाँ पे हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है 97241, ठीक है। अब हमें यहाँ 100 से डिवाइड करना है तो हम यहाँ 10 की प्लेस देखेंगे, जैसे कि 4141, ठीक है। क्यों ऐसा देखेंगे, क्योंकि हमने हमने 10 से डिवाइड किया तो हमने 1 की प्लेस देखी, यहाँ 100 से डिवाइड करना है तो हम 10 की प्लेस देखेंगे, 1 10, तो ये 41 है, 4141, ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, 4141 हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 972, ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 972।
ठीक है, यहाँ पे थाउजेंड तक की डिजिट ले लिया। अब हमारे पास थाउजेंड की डिजिट क्या हो गई, 8326। ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, 8326 हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। और हमारा जो 75 है वो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ये शॉर्ट फॉर्म का अगर हम फॉर्मूलाज देखेंगे, हमने बहुत सारी एक्सरसाइज में फॉर्मूलाज भी करे थे ना, क्या फॉर्मूला था, डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे प्लस करेंगे ये, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डिविडेंड। क्लियर, हमारा आंसर क्या आ जाएगा डिविडेंड। ठीक है, क्लियर है। आप ये टेबल की प्रैक्टिस घर पे भी करेंगे, ठीक है। आपकी बुक में भी टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 5959 पे, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी से बिलोंग करती है, ठीक है। इसलिए आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में और सम्स की, जो बुक में टेबल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर चिल्ड्रन, टिल देन बाय, स्टे होम, बी सेफ।